हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टमाटो राइस, जो बहुत यमी और टेस्टी बनेंगे। आप मेरे तरीके से बनाइएगा और फिर बताइएगा कि कैसे बने हैं। तो उसके लिए मैं आपको सामग्री दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है 3 टेबलस्पून, जिसको हम पका कर यूज करने वाले हैं। 2 बड़े चम्मच 2 टेबलस्पून घी लिया है, और मैंने ये मेजरिंग जो टेबलस्पून है ना, उनसे लिया है। आप कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक और 10 से 12 कली लहसुन को मैंने बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार लिया है। 1 कटा हुआ प्याज ले लिया है, बारीक काट लिया है। मीडियम साइज के 6 से 7 टोमेटोज हैं, जो 350 ग्राम्स के करीब हैं, इनको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। राई ली है 1 चम्मच, जीरा है इसी के अंदर आप देख सकते हैं 1 चम्मच, 1/2 चम्मच हींग है। हींग हम थोड़ा ज्यादा यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, इसी में हींग है। 8-10 करी पत्ता है और 2 सूखी लाल मिर्च हैं। इसके बाद मैंने धनिया पाउडर लिया है, ये लिया है मैंने 3 टीस्पून, आप 1 टेबलस्पून यूज कर सकते हैं। 2 तेज पत्ता है, 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च है, कलर के लिए है ये, और सांभर पाउडर है 1 चम्मच। इस तरीके से हमने ये सारा ले लिया है। और चावल लिया है मैंने 1.5 कप, जिसको मैंने अच्छे से धोकर और डबल पानी में, जितना मुझे चावल में यूज करना है उसी में मैंने इसको सोक कर दिया है। कुकर को हमने गैस पे रख दिया है, और सबसे पहले उसमें डाला है हमने मस्टर्ड ऑयल, और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, तेल अच्छे से पक गया है। हम गैस को यहां ऑफ कर देंगे, थोड़ी देर के लिए तेल को हल्का ठंडा होने देंगे, क्योंकि अगर हम कुछ भी डालेंगे तो वो उसमें जल जाएगा। ये हम डाल रहे हैं अब इसमें घी, आप देख रहे हैं ना, अगर ये बहुत तेज गर्म होता तो एकदम से घी जल जाता। गैस को ऑन कर लेंगे। और ये राई, जीरा, हींग हम साथ में डाल देंगे, मिक्स करेंगे। साथ ही साथ इसमें प्याज डाल देंगे। अब इसमें जो हमने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन कटा हुआ था उसको डाल दिया है, उसको भी अच्छे से भूनेंगे। इसमें डाल रहे हैं हम सूखी लाल मिर्च और करी लीव। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगेगा। 2 डाल देंगे हम तेज पत्ता, और ये सब का अरोमा बहुत बहुत अच्छा आ रहा है। इसको सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हम स्लो टू मीडियम ही रखेंगे ताकि ये जले ना। अच्छे से आप देख पा रहे हैं, इस टाइप से हल्का सा सौते हो जाए। देखिए, बस इतना भूनना है, केवल इतना भूनना है, बहुत ज्यादा ब्राउन इसको नहीं करना है। और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 कटे हुए टमाटर। गैस को यहां पर हमने तेज कर दिया है, और टमाटर को भी हमें बहुत नहीं गलाना है, पकाना नहीं है। तो इसमें डाल रहे हैं हम धनिया पाउडर और ये सारे सूखे मसाले, नमक स्वाद के अनुसार, और मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना कलरफुल, कितना बढ़िया ये लग रहा है। और 1-2 मिनट ही हमें इसको चलाना है, 1-2 मिनट चलाते हुए ही हमें इसे भूनना है। अब देखिए 3 मिनट हो गई हैं, 2 से 3 मिनट ही इसको पकाना है, बस इस तरह से हाई फ्लेम पर हमने पकाया है। और अब हम डालेंगे इसमें ये चावल पानी के साथ ही। ये देखिए, हमने पानी और चावल जो सोक किया हुआ था, ये आधा घंटा सोक किया है हमने,
20 से 25 मिनट चावल जरूर सोक कीजिए तो टेस्टी बनता है। और अभी सब कुछ मिला दिया है, कलर परफेक्ट है। अब हम यहाँ ना पानी को थोड़ा टेस्ट करके देख लेंगे। जैसा नमक आपको चाहिए वैसा हम इस समय ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा नमक कम लग रहा है, हम थोड़ा नमक इसमें और ऐड कर रहे हैं। और ये परफेक्ट टाइम है क्योंकि चावल बनने के बाद आप इसमें नमक ऐड नहीं कर सकते। और बस ये झटपट बनने वाले राइस जो हैं वो अब कुकर हम बंद करते हैं। जैसी एक विसल आएगी और दूसरी आने वाली होगी तब हम इसको बंद कर देंगे। दूसरी विसल आने से पहले हमने इसको खोल रहे हैं, मतलब बंद कर दिया था गैस को। और अब हम बिल्कुल प्रेशर अपने आप ठंडा हो गया तो खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये राइस। इसमें सबसे ऊपर हम डाल रहे हैं एक या आधा चम्मच घी, एक चम्मच घी डाल रहे हैं। एक तो इससे राइस ना आपस में चिपकता नहीं है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। देखिए लग रहा है ना सुंदर, बनाएंगे ना। अब हम इनको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और ये देखिए आपके सामने मिक्स कर रहे हैं। एक एक चावल खिला हुआ बना है, बहुत यमी है ये देखिए। अब इसकी करते हैं प्लेटिंग और झटपट बनने वाला है। ये कर रहे हैं हम इसकी प्लेटिंग, देखिए एक एक चावल खिला हुआ है और गर्मा गर्म चावल है ये। तो कैसे लग रहे हैं ये कुकर में बनने वाले राइस? और जो रायता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख के बना सकते हैं ये प्याज का फटाफट बनने वाला रायता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज। Thank you.